नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अगर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर देसीपन जरूर होगा, जो कभी ना कभी निकलकर बाहर आ ही जाता है। और ये मुमकिन है कि हमारे देश की बड़ी समस्याएं कभी हल ना हो, लेकिन जब लाइफ को आसान बनाने की बात आती है तो इस मामले में हम जुगाड़ के बाप बन जाते हैं। अब चाहे एसी से कोक की बोतल ठंडी करनी हो या हेलमेट पहनकर प्यास काटना हो, ये सब सिर्फ एक भारतीय ही कर सकता है। ये तो हुए कुछ तकनीकी जुगाड़, लेकिन क्या आपने कभी सुना धार्मिक आस्था पर आधारित जुगाड़? मुझे यकीन है आप भी सोच में पड़ गए होंगे। कोरोना महामारी ने जहां एक और लोगों का घूमना फिरना बंद करवा दिया, वहीं लोगों के मंदिर और अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, जुगाड़ भारतीयों की पहचान है। इसी से जुड़ी एक मजेदार खबर मैं आपको बताती हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश की, जहाँ नाहरू खान नाम के एक मुस्लिम समाज सेवक ने मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में एक कॉन्टेक्ट लेस घंटी लगाई, जो पास आते व्यक्ति को सेंस कर बजने लगती है। नाहरू ने कहा, हमें अजान सुनाई देती है, मैंने सोचा मंदिर की घंटी भी सुनाई देनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कोरोना संक्रमण के कारण धार्मिक स्थलों पर जाने से रोक लगा दी गई। वहीं अब अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थलों में जाने की रोक हटा ली गई, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर, जिसमें मंदिर की घंटी बजाने की इजाजत नहीं दी गई। और इसी के मद्देनजर नाहरू ने ये कदम उठाया। लेकिन अब इस नाहरू के कॉन्टेक्टलेस घंटे के जुगाड़ से मंदिर की घंटे की आवाज सुनना भक्तों के लिए संभव हो गया है। नाहरू के इस सोच ने सभी का दिल जीत लिया। ट्विटर पर जब ये खबर आई तो कई लोगों ने नाहरू की सराहना भी की। एक यूजर ने कहा, ये एक बेहतरीन कदम है। हमेशा धार्मिक परिपेक्ष में सोचने की बजाय हमें ये सोचना है कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। एक यूजर ने इसे गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी बताया। कई यूजर्स व्हाट एन आइडिया कहकर नाहर की तारीफ कर रहे हैं। वाकई कितना अच्छा लगता है जब समाज में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। यदि भारत में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को पहले भारतीय माने तो बात ही कुछ और होगी। जरूरत सकारात्मक सोच की है, जरूरत बदलाव की है। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से एक नकारात्मक माहौल बना है, वहीं अब सबसे जरूरी है एक पॉजिटिव सोच को अमल में लाने की। खबर पर आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।